हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास. दिस इज एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 एलजेब्रा फॉर क्लास 6. माय सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया. चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3. एक्सरसाइज 7.3, पिक द एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड द अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, दोनों में फ़र्क देखिए. एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें हमारे अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक उसमें ए बी सी पी क्यू एल अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ऐड होंगे. और अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें खाली नंबर्स हों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हों, वेरिएबल्स ना हों, यानी कि ए बी सी डी, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स उसमें नहीं होते. तो देखिए, फर्स्ट 2L-3, दिस इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें L आया है. 5×3+8, ओनली नंबर्स आर इन्वॉल्व, तो ये हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. दिस इज 6-3x, दिस इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बिकॉज क्यों? रीजन है कि उसमें x इन्वॉल्व हुआ है. नेक्स्ट इज 5L, L इज इन्वॉल्व, सो इट इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज 2×21-18+9, ओनली नंबर्स ही नंबर्स हैं इसमें, तो ये हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. दिस इज 6A/5+2, इसमें देखिए a आ गया, सो इट इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 7×20/5+3, तो सिर्फ नंबर्स ही इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई ये क्या हो गया, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. एंड नेक्स्ट इज 8th part is 8, दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी रिटन लाइक दिस. एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आए हैं, जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, वो एक जगह पे लिख देंगे, और बाकी जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो है 2nd part, 5th part, 7th and 8th, उनको इस तरह से आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपके पास बुक होगी, बुक में ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, जस्ट वहाँ से देखिए. फर्स्ट पार्ट इज 2y+5z. अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं. स्टूडेंट्स बोलेंगे 1, 2, 3, 4. नो, टर्म नहीं कब शुरू होती है, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है. दिस मीन्स 2y एक टर्म है और 5z दूसरी टर्म है. यहाँ टू टर्म्स हैं बिकॉज प्लस आया, उसने टर्म्स को सेपरेट किया. जब प्लस या माइनस आए तो उसके बाद न्यू टर्म स्टार्ट होती है. तो वी हैव टू टर्म्स इन दिस 2y and 5z. इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स. पहली है 6x, दूसरी है -3y और तीसरी है 8. थर्ड वाले में हमारे पास एक ही टर्म है 7a, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो एक ही टर्म है, दिस इज 7a. फोर्थ इज 3L-5M+2N. इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 and 3. 3L इज फर्स्ट टर्म, -5M इज सेकेंड टर्म एंड 2N इज थर्ड टर्म. 2L/3+x, दिस इज 2L/3, ये फर्स्ट टर्म है और x जो है वो दूसरी टर्म है. यू कैन राइट इट इन दिस वे. देखिए, फर्स्ट था टर्म्स आर 2y 5z कॉमा लगा के, सेकेंड ये एक्सप्रेशन था टर्म्स आर 6x-3y, 8. सो नेक्स्ट इज 7a, ओनली वन टर्म 7a. देन फोर्थ 3L-5M+2N, टर्म्स आर 3L-5M and 2N. नेक्स्ट इज 2L/3+x, टर्म्स आर 12/3 and x. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3. टेल हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड. आप बताइए कि ये नीचे वाले जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं ये कैसे बने हैं. कैसे बने का मतलब, कोई टर्म उसमें ऐड हो रही है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, कोई डिवाइड हो रही है, यू हैव टू टेल दैट. तो देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज a+11. तो क्या हो रहा है, 11 इज एडेड टू a. ये एक्सप्रेशन कैसे बना, हमने a में 11 ऐड किया, तो क्या लिखेंगे इसको, a11 इज एडेड टू a. सेकेंड पार्ट इज 12-x, तो इट मींस x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12.
जो सब्ट्रैक्ट होता है उसके साथ फ्रॉम ज़रूर लगता है, और हमें ये भी पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11, दैट इज़ रॉन्ग। आप लिखेंगे x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। फ्रॉम के बाद 12 आया है, जब हमने इसका एक्सप्रेशन बनाना है तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, देन x। नेक्स्ट इज 3z+8, इट मीन्स 8 इज एडेड टू, 8 को हमने किस में ऐड किया, 3 टाइम्स z, पहले 3 टाइम्स z था फिर उसमें हमने 8 ऐड कर दिया, तो 8 इज एडेड टू 3 टाइम्स z। नेक्स्ट इज 6-5l, सो 5 टाइम्स l, पहले l का 5 टाइम्स है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज 5a/4, मतलब 5 टाइम्स a इज डिवाइडेड बाय 4, पहले a को 5 टाइम्स किया फिर उसको 4 से डिवाइड किया, तो लिखेंगे क्या, 5 टाइम्स a इज डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। 10 इज एडेड टू p, 10 किस में ऐड करना है, p में, तो p प्लस 10 हो गया। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मैंने अभी भी बोला कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती है, तो y माइनस 5, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, तो y माइनस 5। d इज डिवाइडेड बाय 3, तो d इज डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट इज l इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6, तो दिस इज माइनस 6l, मल्टीप्लाई हो तो उसके साइन को लिखते नहीं, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मींस मल्टीप्लाई, माइनस 6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, l से, तो l इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6। m इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, तो 1 पहले लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्टेड है m, तो 1 माइनस m। 11 इज एडेड टू 3x, पहले 3x लिखेंगे उसमें 11 ऐड कर देंगे, तो 3x+11। नेक्स्ट इज y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, y को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से, एंड देन 2 इज एडेड टू द रिजल्ट, तो माइनस 2y हो गया प्लस 2, माइनस 2y+2। नेक्स्ट इज c इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 7 इज मल्टीप्लाइड टू द रिजल्ट, पहले c को 5 से डिवाइड किया फिर रिजल्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 7c/5। नेक्स्ट इज x इज मल्टीप्लाइड बाय 3, x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, एंड देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम y का मतलब y पहले लिखा जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, दिस इज y माइनस 3x। नेक्स्ट इज a इज एडेड टू b एंड देन c इज मल्टीप्लाइड विद द रिजल्ट, और वो a इज एडेड टू b ये ब्रैकेट में हो गया, जो रिजल्ट आया उसको c से मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस b, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर विच इज 15 less than y, y से 15 लेस हो वो नंबर लिखिए, तो y माइनस 15, y में से 15 माइनस कर देंगे, आपको वो नंबर लिखना है विच इज 15 less than y, तो y से 15 को आप माइनस करेंगे, तो आंसर इज y माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द नंबर विच इज 3 more than a, a से 3 ज़्यादा, तो a प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर विच इज 1 more than twice of x, ट्वाइस का मतलब 2x, उससे 1 ज़्यादा, मोर देन का मतलब होता है प्लस, तो 2x+1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर विच इज 7 less than 5 times y, 7 less than 5 times y, तो सबसे पहले आप y का 5 टाइम्स करिए, 5 multiplied by y, दैट इज 5y, और उसमें 7 लेस, लेस का मतलब होता है माइनस, तो 5y-7 इज द रिजल्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज सोमीज प्रेजेंट एज इज a years, सोमी की आज की एज क्या है, a years, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एल्जेब्रिक फॉर्म, अब जो आगे रिजल्ट्स दिए हुए हैं उनको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, उसकी आज की एज हमें कितनी दी है, a years, सो लुक एट दीज पार्ट्स, फर्स्ट इज हर एज आफ्टर 15 years, आज एज कितनी है a, आज से 15 years बाद कितनी एज होएगी, a+15, जैसे आपकी आज की एज जो भी है अगर 15 years बाद पता करनी है तो आज की एज में 15 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज हर एज 2 years एगो, एगो का मतलब होता है पीछे, 2 साल पहले उसकी क्या एज थी, a-2, आज की एज में से 2 माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज
इफ सुमी'स फादर फादर्स एज इज 5 मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, एक्सप्रेस द फादर्स एज. अगर हमने उसके फादर की एज को देखना है तो क्या रिलेशन है कि पहले उसकी एज को ट्वाइस करो, तो हमने 2a लिख दिया, फिर 5 मोर देन यानी कि उसमें 5 ईयर्स प्लस करने हैं, 5 प्लस करना है, तो 2a प्लस 5 होगी उसके फादर की एज. इफ सुमी'स सिस्टर इज 4 ईयर यंगर टू हर, उसकी सिस्टर जो है उससे कितनी यंगर है, यंगर मतलब छोटी, 4 ईयर्स छोटी है, तो सुमी की एज में से 4 ईयर्स माइनस कर देंगे, दैट इज हर सिस्टर्स एज. नेक्स्ट इज इफ सुमी'स मदर इज 3 लेस देन 3 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, तो एक्सप्रेस मदर्स एज. मदर्स एज क्या होगी, पहले उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3a, फिर उसमें से 3 माइनस करिए, बिकॉज क्या लिखा है कि 3 लेस देन, लेस करना है किस में से, सुमी की एज के 3 टाइम्स में से, तो 3a माइनस 3, दिस इज हर मदर्स एज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज, फ्लोर फ्लोर का मतलब फर्श, द लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, वॉट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज एल मीटर. ब्रेड्थ हमें कितनी दी है, एल मीटर्स, तो उसकी लेंथ निकालनी है, और रिलेशन दिया है 10 मोर देन 2 टाइम्स, तो यहाँ देखिए, लुक एट दिस, ब्रेड्थ कितनी है, एल गिवन है, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे, रिलेशन क्या है, पहले ब्रेथ को 2 टाइम्स करिए, ट्वाइस करिए, देन उसमें 10 ऐड करिए, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 12 प्लस 10. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.